नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोले, पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के निर्देश, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए तेज करें मुहिम। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पंजाब में हर बुरे काम में सुखबीर सिंह और प्रकाश सिंह बादल का हाथ, भुगतनी पड़ेगी सजा। सोनिया गांधी के दरबार तक पहुंचा दिल्ली कांग्रेस का घमासान, नाराज नेताओं ने लिखा खत। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए विदेशी यात्रियों की सख्त जांच के निर्देश। भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप, केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र लिखकर जारी किए दिशा निर्देश। आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत का अजब बयान, कहा कृषि कानून रद्द करने से नहीं होगा समाधान। ₹10 में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, कोरोना मामलों में कमी के बाद भारतीय रेलवे ने लिया फैसला। कोविशील्ड को वैक्सीन के वाणिज्यिक निर्यात को अनुमति, देश में टीके की पर्याप्त स्टॉक होने पर सरकार का फैसला। अमित शाह ने उद्योगपतियों को पूर्वोत्तर में निवेश के लिए किया आमंत्रित, शांति और स्थिरता का दिया हवाला। सामुदायिक रसोई की रूपरेखा तय करेगा खाद्य सचिवों का समूह, राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया फैसला। जर्मनी के राजदूत बोले, भारत के बिना किसी भी बड़ी वैश्विक समस्या का समाधान नहीं संभव। भारत के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों में मिली मान्यता, एमईए ने दिया ये बयान। यूपी में मामूली अपराधों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित करे, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। बसपा से मुंह मोड़ते ही बेनकाब हुए विधायक गुड्डू जमाली, मायावती ने किया बड़ा पलटवार। राज्य कर्मियों के बाद सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, बढ़ी दर से मिलेगा महंगाई भत्ता। अलकायदा के लखनऊ कनेक्शन की तलाश में एनआईए के जम्मू कश्मीर में छापे, कई अहम दस्तावेज बरामद। महंत नरेंद्र गिरी ने हटवाए थे मठ से सीसीटीवी फुटेज, सीबीआई ने चार्जशीट में किया खुलासा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा जरूरी। अलीगढ़ में युवोत्थान कार्यक्रम का हुआ
आयोजन कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब। बांदा में रफ्तार का कहर जारी, गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार हुए घायल, एक की मौत। चंदौली में सपा राष्ट्रीय सचिव ने किया जायजा, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का लिया जायजा, जिलाधिकारी को भी दिए निर्देश। फरुखाबाद में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर रैली निकाल कर किया शक्ति प्रदर्शन। सहारनपुर में डिलीवरी के नाम पर ठगी, स्वास्थ्य विभाग और परिजनों के बीच हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सोनभद्र में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष में प्रदर्शन। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन से शिक्षिका की टक्कर। फरुखाबाद में राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के 100 साल हुए पूरे, शताब्दी समारोह का हुआ आयोजन। झांसी में कागजों में बने सार्वजनिक शौचालय, आरोपों से बचते दिखे ग्राम प्रधान। महोबा दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, प्रतिज्ञा रैली की करेंगी शुरुआत। रायबरेली में ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा, एक मजदूर की हुई मौत। संभल में काउंसलिंग का हुआ आयोजन, बेसिक शिक्षा कार्यालय के सभागार में हुआ कार्यक्रम। संभल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे चेयरमैन पति, विश्राम स्थल और पिंक टॉयलेट का किया निरीक्षण। सोनभद्र में संयुक्त कर्मचारी संगठन ने किया प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग। सोनभद्र में जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष का हुआ चयन, अंजनी कुशवाहा को बनाया गया जिलाध्यक्ष। फतेहपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, लाइसेंसी रिवॉल्वर से ठोके 6 फायर, शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। लखनऊ में बीजेपी की संविधान गौरव दिवस यात्रा, 1000 गाड़ियों का काफिला प्रयागराज रवाना, पीजीआई से प्रयागराज रवाना हुई संविधान यात्रा। रायबरेली में दबंगों ने महिला को जमकर पीटा, जमीनी विवाद को लेकर की पिटाई, खेत पर हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में अराजक तत्वों ने पुल की दीवार तोड़ी, 150 साल पुराने पुल की तोड़ी गई दीवार, जर्जर होने के चलते बंद किया गया था पुल। मेरठ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे रैली, अखिलेश यादव भी रैली में हो सकते हैं शामिल। एनएसजी के जवानों ने घेरा लखनऊ का लोक भवन, मॉक ड्रिल कर हमला करने वाले आतंकियों का किया सफाया।
पावर कॉरपोरेशन ने कसी कमर, तय मानकों के साथ 28 लाख से ज्यादा घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। यूपी के पूर्व प्रमुख सचिव गृह का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर ठगी का प्रयास, साइबर सेल में हुआ खुलासा, की गई शिकायत। यूपी में स्कूली वाहनों और टैक्सियों में लगेंगे पैनिक बटन, सिग्नल मिलते ही मौके पर पहुंचेगी पुलिस। यूपी में जन शिक्षण संस्थान दे रहा युवाओं के हुनर को बुलंदी, प्रशिक्षण के साथ नौकरी के अवसर भी होंगे उपलब्ध। हर पहलू को समाहित कर बनेगा भाजपा का घोषणा पत्र, 100 प्रभावशाली व्यक्तियों से होगा संपर्क। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, 4 दिसंबर को देहरादून में होगा जनसभा, कर सकते हैं बड़ी घोषणा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, अनुकृति चुनाव लड़ना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, टिकट देना हाईकमान का काम। उत्तराखंड में जनसंपर्क और संवाद को मुख्य हथियार बनाएगी भाजपा पार्टी, शुरू करेगी महाअभियान। पीडब्ल्यूडी ने जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अफसरों को भेजा नोटिस। देहरादून में सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों को दिया तोहफा, ग्राम प्रधानों को प्रोत्साहन राशि देने का किया फैसला। अल्मोड़ा में शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन, कांग्रेस ने बीजेपी पर किए तीखे वार। बहादुराबाद में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। हरिद्वार में महिला हॉस्पिटल का वीडियो हुआ वायरल, महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। कलियर में सदस्यों ने हज हाउस में की प्रेसवार्ता, बेला भूमि के 79 और 90 नंबरों पर आपत्ति। चंपावत में मेला देखने गया युवक नहर में डूबा, नहर में डूब कर लापता हुआ युवक, युवक की तलाश जारी। पौड़ी गढ़वाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, आयुक्त गढ़वाल ने ली बैठक। रुड़की में पिरान कलियर पहुंचे केरल के राज्यपाल, राज्यपाल ने साबिर पाक दरगाह में की चादर पेशकश। रुड़की आईआईटी ने मनाया 175वां स्थापना दिवस, 14 पूर्व छात्रों को आईआईटी ने किया सम्मानित। देहरादून में 2 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही बंद सहित कई पाबंदियां हुई लागू। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन वाली सीरियस रावत की टिप्पणी का ड्रैगन ने किया विरोध, उकसाने का लगाया आरोप। डब्ल्यूएचओ ने बुलाया बात बैठक, अफ्रीकी देशों पर ब्रिटेन इजराइल ने लगाया यात्रा प्रतिबंध।
विश्व धरोहर समिति में चुना गया भारत, 4 साल का है कार्यकाल। अमेरिका ने 12 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को भी झटका। टेंशन में चीन, समुद्र में उसके मालवाही जहाज, ट्रैकिंग सिस्टम से हो रहे गायब, वजहों का नहीं चल रहा पता। यूएई के इंस्पेक्टर जनरल अल रईसी बने इंटरपोल के अध्यक्ष, चीन के लापता अध्यक्ष मेंग होंगवेई की ली जगह। साइबेरिया के खदान में हादसा, आग की चपेट में आए 52 लोगों। पाकिस्तान सेना ने किया बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण। पेगासस विवाद के बाद इजराइल का बड़ा फैसला, 65 देशों को नहीं भेजेगा अपनी तकनीक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बनने के 12 घंटे अंदर इस्तीफा, स्वीडन की पहली महिला पीएम मैग्डलेना एंडरसन की सरकार ने खोया बहुमत, फिर से चुने जाने की जताई गई संभावना। एयर इंडिया को टाटा को सौंपने में जुटी सरकार, विनिवेश की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रही सरकार। एक दिसंबर को खुलेगा टेगा इंडस्ट्रीज का पब्लिक ऑफर, टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड किया गया था। ट्रांजैक्शन के लिए यस बैंक ने अमेजॉन पे से किया करार, अमेजॉन पे यूजर्स को जारी होगा @YPL यूपीआई हैंडल। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.3% किया। रॉयल एनफील्ड को पूरे हुए 120 साल, कंपनी ने पेश किया 650 ट्विन का एनिवर्सरी एडिशन। भारत यूएई के बीच जल्द सामान्य होगी उड़ान, कम होगा हवाई किराया। देश में बनेंगे डिजिटल बैंक, नहीं होगा कोई ब्रांच नहीं, नीति आयोग ने रखा प्रस्ताव। कपड़ा फुटवेयर पर जीएसटी टैक्स बढ़ाने से व्यापारी नाराज, कहा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन रेलवे का भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान, ट्रेनों में देश की संस्कृति के साथ दिखेगी 10 खूबियां। एयरपोर्ट के पास बन रहा रेलवे का विशाल फ्रेट विलेज, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। श्रेयस अय्यर ने डब्ल्यू टेस्ट में जोड़ा शतक, कानपुर में 52 साल बाद रचा ये इतिहास। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया करारा जवाब, अभिमन्यु ईश्वरन ने ठोका शतक। ने क्रिकेट से लिया ब्रेक, एशेज से हुए बाहर, सेक्सटिंग कांड की वजह से छोड़ी कप्तानी।
खिलाड़ी। अर्गिल ने बढ़ाई पुजारा रहाणे की मुश्किलें, भारतीय चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। काइल जेमिसन बोले, भारत अभी न्यूजीलैंड से आगे लेकिन दूसरे दिन बेहतर की उम्मीद। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के नए टेस्ट कैप्टन, 64 साल बाद तेज गेंदबाज बना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान। स्वीट स्मिथ होंगे वाइस कैप्टन। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने रहेंगे, फ्रेंचाइजी करेगी रिटेन। केएल राहुल छोड़ सकते हैं पंजाब किंग्स। चहल की वाइफ ने सिखाया कोहली को डांस, विराट को हुक स्टेप कराती नजर आई धनश्री। सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाई सनसनी। कैटरीना के हाथों में सजेगी खास मेहंदी, लाखों में है मेहंदी की कीमत। राजस्थान में जल्द साथ फेरे लेगा कपल। खत्म हुआ लुका छुपी का खेल, पहली बार राखी सावंत के पति रितेश की वीडियो हुई लीक। बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बॉन्ड ब्रैकेट केस में साइबर सेल ने दर्ज किया था मामला। ₹120 करोड़ में बनी अतरंगी रे फिल्म, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 200 करोड़ में खरीदी, रिलीज से पहले ही सुपरहिट। चीन से पेन ड्राइव में स्क्विड गेम, उत्तर कोरिया लाने वाले को मारी गई गोली, इससे देखने वाले स्टूडेंट को हुई जेल। करीना कपूर खान ने देखते ही देखते किए 108 सूर्य नमस्कार, वीडियो में एक्ट्रेस की एनर्जी देख फैंस हुए हैरान। कुमकुम भाग्य फेम गरिमा अरोड़ा, टीवी के बाद अब वेब सीरीज अवध में बिखेरेंगी अपना जलवा। बालिका वधू 2 में आनंदी बनेंगी शिवांगी जोशी, 1 दिसंबर से देखने जा सकेंगे शो, देखने को मिलेंगे नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स। रिलीज के लिए तैयार मेजर अदीवी, शेष पर्दे पर दिखाएंगे संदीप उन्नी कृष्णन की शहादत। जैस्मिन भसीम और मोहसिन खान का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग प्यार करते हो ना हुआ रिलीज। शादी की खबरों के बीच हल्दी सेरेमनी के बाद अब अनुपमा और अनुज की तस्वीरें हुई वायरल। कैंसर से जंग जीतने के बाद किरण खेर की सेट पर वापसी, शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया बीटीएस वीडियो। देश दुनिया की खबरों के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।